नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सब लोग अपने चैनल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम बटर मसाला, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, मेरी इस रेसिपी को आप लोग जरूर ट्राई करें। तो मशरूम जो होता है प्रोटीन से भरा हुआ भरपूर होता है और हर किसी को खाना चाहिए, खासकर वेजिटेरियन लोगों को मशरूम जरूर अपने डाइट में लेना चाहिए। तो अगर मेरे चैनल आप लोग को वीडियोस आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मशरूम बटर मसाला बनाने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 200 ग्राम बॉटम मशरूम लिया है, ये देखिए। इसे मैंने ठंडे पानी में हल्का सा धो लिया क्योंकि उसके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी लगी हुई थी, मिट्टी वाले बैग्स में होते ये लोग होते हैं। तो इसे हम पहले बॉइल करेंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉइल कर रहा है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून नमक डाल रहे हैं और थोड़ा सा हल्दी, ताकि इसमें जो भी बैक्टीरिया हो छोटे छोटे वो सब मर जाए और मेरे मशरूम जो है अच्छे से साफ हो जाए। इसमें हम डाल देते हैं, 5 मिनट के लिए इसे बॉईल कर देंगे। देखिए अच्छे से हम इसमें डाल दे रहे हैं, इसे 5 मिनट के लिए बॉईल कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका कस्सापन भी निकल जाए और अच्छे से साफ हो जाएगी। तो फिर 5 मिनट से बॉईल करने होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट तक मशरूम को हमने उबाल लिया है। अब फ्लेम को हम बंद कर दे रहे हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये उबल चुका है, से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते, इसे ठंडा हो जाने देते हैं और फिर इसे स्लाइसेस में काट लेंगे या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो मशरूम है वो ठंडा हो गया है, ये देखिए। जब उबलने के बाद ये साइज का छोटा हो गया है, ये देखिए। तो अब हम इसे टुकड़ों में काट लेते हैं। आप चाहे लंबे टुकड़ों में काटे या फिर 4 टुकड़ों में काटे, तो मैं यहाँ 4 टुकड़ों में काट रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, इसी तरीके से मैं सब मशरूम्स को काट लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने मशरूम को काट लिया है, ये हमने 4 टुकड़ों में काटा है। आप चाहें तो इसे लंबे लंबे स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। तो हमने इसे टुकड़ों में काट लिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे बटर में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, ये हमारा कढ़ाई गर्म है। हम इसमें डालने वाले हैं 1 चम्मच बटर। हमें बटर को जलाना नहीं है, फ्लेम हम लो कर देंगे और इसी में हम डाल रहे हैं अपना मशरूम। लो फ्लेम पे ही भूनना ताकि हमारा बटर जले नहीं और हमारे मशरूम भी फ्राई हो जाए, ताकि हमारे मशरूम में बटर का फ्लेवर आए। हमें इसे 2 से 3 मिनट भूनना है, जिसे पानी में हमने उबाला है वो पानी सूख जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए मशरूम पे, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भूंजा है, वैसे हम थोड़ा हाई फ्लेम कर दे रहे हैं ताकि 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे और भून जाए, ताकि इसके पानी जो भी है वो सब सूख जाए और थोड़ा सा मशरूम का कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो अभी इसे हम भूंज रहे हैं 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मशरूम जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। तो थोड़ा नजदीक कर देती हूँ मैं कैमरे को, ये देख लीजिए आप लोग। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, हमारा मशरूम फ्राई हो गया है। हमने इसे पूरा निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। देखिए हमारी कढ़ाई गर्म है, इसी कढ़ाई में हम डाल रहे हैं सरसों का तेल 2 चम्मच ग्रेवी के लिए। तेल को गर्म होने देते हैं। सरसों का तेल जो है वो गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच दालचीनी। मैंने इसे टुकड़ों में तोड़ लिया था और अब हम डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, इसे हम भूनते हैं लो फ्लेम पे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, थोड़े गोल्डन ब्राउन आ जाएगा इसमें भूनने के बाद।
भुनने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। देखिए भुन रहे हैं तब तक हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जब तक हमारा प्याज भुन रहा है तब तक हम मसाले तैयार करते हैं। तो ये हमारा 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है कलर के लिए, ये 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये 1 छोटी चम्मच जीरा है, ये आप इसकी जगह पे पाउडर भी जीरा का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो हम इसे पीस लेते हैं मिक्सर में, इसे हम सब डाल के पीस लेते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे कलर आ जाए, फूल जाए, जिससे मसाले में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मिर्ची को तोड़ लेते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स हमारे मसाले में हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, इतना पानी डालना जितने मसाले पीस जाए। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे मसाले पीस गए हैं, ये देखिए कितने अच्छी कंसिस्टेंसी में पीसे हैं, पूरे अच्छे से बारीक हो गए हैं। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो गए हमारे प्याज को भूनते हुए, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये ट्रांसपेरेंसी से। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर, इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पे, ताकि थोड़े टमाटर के पानी जो है वो थोड़ा गल जाए, टमाटर थोड़ा हमारे गल जाए। भून लेते हैं मीडियम फ्लेम को। देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट के बाद हमारे टमाटर भी पक गए हैं, हमारे प्याज और टमाटर दोनों अच्छे तरीके से पक रहे हैं। तो अब हम डालेंगे मसाले जो अभी जस्ट हमने पीसे थे, हम इसे पूरे मसाले डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा और पानी मिला के पूरे मसालों को एक जगह कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को एक जगह कर लिया था, थोड़ा सा पानी, अब इसे हम भूनते हैं मीडियम फ्लेम पे। इसे हम तब तक भूनना है जब तक हमारे मसाले में से ऑयल सेपरेट ना होने लगे, ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक, अगर थोड़ी सी 1/2 छोटी चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। अब इसे हम मसाले को भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे मसाले जो है भुन गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे मशरूम, हमने बीच बीच में मसालों को चलाते रहा है, इसमें मशरूम डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए मशरूम और मसालों को 5 मिनट तक भून लेंगे, ताकि मशरूम में मसाले का फ्लेवर चला जाए अच्छे से। इसे हम भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक चलाते हुए। मशरूम जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है, हमेशा रेगुलर डाइट में लेना चाहिए, ये प्रोटीन रिच होता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्हें मशरूम जरूर खाना चाहिए, ताकि उनके बॉडी में प्रोटीन की कमी ना हो, और बच्चों को भी खास करके खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने मशरूम को मसाले के साथ 5 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी ग्रेवी के लिए, इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि मैंने रेसिपीज कैसी बनाई है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैं आपको ऐसी ही रेसिपीज बताती रहूँगी नई नई। तो फ्रेंड्स हमने पानी डाला था, उसमें उबाल आने लगी है, अब हम इसमें डालेंगे अपना मेन इन्ग्रीडियंट जिससे हमारे सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बटर चिकन मसाला 1 बड़ी चम्मच, और इसे हम अच्छे से मिला देते हैं, इसे हमारे मशरूम की सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और इसे उबलने के तक हम इसे पकाएंगे अच्छे से, जब तक हमारा ग्रेवी भी थिक हो जाएगा। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मुझे आप सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपको नई नई और रेसिपीज दिखाती रहूँगी, बनाती रहूँगी। तो इसे अब हम ढक के पका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी मशरूम बटर मसाला बनके तैयार है, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, ग्रेवी भी थिक हो चुकी है, ये देखिए।
हमारे पूरे सब्जी में बटर का फ्लेवर आया है क्योंकि हमने मशरूम को बटर में भूना था, इसलिए हमारे सब्जी में बहुत अच्छा बटर का फ्लेवर आया है। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा बना था आप लोगों का। तो मैं इसे गैस स्टोव बंद कर देती हूँ और इसमें थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ ताकि और अच्छा फ्लेवर आए। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो दूसरे रेसिपीज के लिए मेरे वीडियोस पे बने रहें, मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।